हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसा मारेंगे तो नहीं। कितने एपिसोड में तू लड़कियां बन चुका? अभी तो 70 एपिसोड में। 70 एपिसोड हो गए? हाँ हो गए। लड़की के सारे गुण है तेरे अंदर? नहीं, सिर्फ तो सीख गया होगा सारे गुण। अभी इधर 10 मिनट के लिए रहते सर, उसके बाद लेकिन आ तो गए होंगे। जैसे कि आप जानते कि 70 एपिसोड सपना ने कर लिए हैं एज ए गर्ल। अब ये देखना चाहूंगा, मैंने एक स्पेशल चीज लेके आया हूँ और मैं देखना चाहूंगा कि इसके अंदर वो गुण है कि नहीं। आज सपना जी हमें पूरियां बना के दिखाएंगे। अच्छा। जैसे हमारी जो फिल्म में है पूरियां बनी थी, तो मैं गैस लेके आया हूँ, हाँ पूरी का सारा सामान लेके आया हूँ और आप बेलन से एक पूरी बना के दिखाएंगे। सर अमरीश पूरी बोल दो, वो बन जाएंगी पूरी मेरे से। लेके आओ भाई। इधर आओ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आटा है और ये है बेलन। सबसे पहले हम सपना जी को कहेंगे कि एक अच्छी सी गोल पूरी बेले पहले बेल के दिखाएं। ये क्या काम दे दिया सर मेरे को? सपना 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 सपना। बेटे नक्शा नहीं बनाना है, नक्शा नहीं बनाना है, याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया हो गया है। सर अभी तो ऑस्ट्रेलिया, थोड़ी देर में बल्गेरिया देखिएगा। अरे क्या कर रहा है, गोल गोल बनाने, ये क्या बनाया देखो। अच्छा सर एक मिनट, कोशिश करती हूँ। सर थोड़ा सा अभी ट्राई किया है। नहीं ये गोल नहीं, नॉट बैड यार, अप्रोक्सीमेटली बस चिपक जाएगा, आटा नहीं लगाया ना उसने। बताइए सर Not क्या bad. आप में से कोई बता सकता है क्या ये गोल है या नहीं है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सोनाक्षी जी आप आइए ट्राई करिए। अरे एक दिन आपने ब्याह करना है, घर के किचन में काम करना है, आइए। आजकल बाहर से खाना मंगा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक पूरी तल के दीजिए। अरे मुझे नहीं आती। अरे बहुत इजी है, आप ट्राई तो करिए। तापसी मुझे पता था मेरी बारी भी आएगी अभी। कम कम दे कृतिका, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे ये कृतिका। टू मच आटा फॉर अ पूरी। कम डिसाइड दैट दैट्स राइट। हाउ द एक्सपर्ट इज स्पीकिंग। इसका तो कहां है ये? या या आई विल डू इट। बी केयरफुल ऑफ द। कुछ तो हो रहा है अच्छा इसमें। और आप लोग मार्क्स देंगे और उनको फोन मिलेगा। मैं फोन तो इस चीज में खुश हूँ, इतनी बड़ी हीरोइन हमारे शो में आके पूरियां निकाल रही है। कुछ मिलेगा, हेलो कोई देख नहीं रहा, मैंने हाँ। कर दिया। अरे बाकी तेल गिरा दे, ये अच्छा है। तो सोनाक्षी का गुड, वेरी गुड। चलिए तापसी का, तापसी ने बहुत परफेक्ट बना लिया। तापसी का देखिए, और इस कमबख्त का देखिए। और ये तो पराठे के साइज की पूड़ियां बनने वाली हैं। मैं खुद गोल गोल हो रही हूँ ताकि ये पूरी गोल गोल हो जाए। नहीं अभी आई थिंक ये आई थिंक तापसी का परफेक्ट है आपका। ये फूले की मेरी माँ आज इतनी खुश होगी ना, इतनी खुश होगी। लाइफ में मैंने कभी ये नहीं किया है। मेरी माँ ये एपिसोड देख के बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी, रो देगी मुझे लगता है। लेट्स चेक। ओके इट्स गॉट टू मच आटा। वाओ सोनाक्षी ने इतना आटा लगा दिया ना पूरी के ऊपर कि वो उसका मेकअप उतर जाएगा, वो पूरी अंदर से फिर वैसे आटा निकलेगा। अच्छा आपने तो किचन में काम किया है ना, तो मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ। लेकिन अक्षय सर एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। ये तो मेरा मसाज वाला तेल है। बेटे अगर भगवान कसम, अगर ये पूरी आज तुझे मैंने नहीं खिलाई ना तो देखियो। या इट्स डन अ वेरी। तापसी की पूरी देखो, पूरी गोल। अरे वाह वाह, मैं घर में बनाती हूँ यार रोटियां। ओह माय गॉड, माय फर्स्ट पूरी,
मैं ये फ्रेम करके रखूंगी घर पे। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये साथ साथ में पूरियां बन रही हैं, साथ साथ में कुछ बातें हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। अक्षय भाजी कुछ अफवाहें हैं। हाँ जी। तो पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। कहते कि आप पार्टीज में इसलिए नहीं जाते क्योंकि फिर आपको भी उन्हें पार्टी देने पड़ेगी और खर्चा करना पड़ेगा। ये अफवाह है या सच है? ये सच है, ये सच है। एक और अफवाह है लास्ट। कहते कि फिल्म के किसी रोमांटिक सीन से पहले आप ट्विंकल मैम को सीन समझाते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। इज इट ट्रू सर? नहीं। ओके। अक्षय कुमार बाइज्जत बरी होते हैं। सोनाक्षी आपके बारे में अफवाह है कि गोलगप्पे पानी पूरी खिला के आपसे कोई भी राज पता किया जा सकता है। नहीं, मैं दूसरी चीज भी खा सकती हूँ। मतलब कोई आपको खिला पिला के कोई राज पता करवा सकता है? मुझे खिला पिला दो, मेरा मन खुश हो जाता है, मैं फिर कुछ भी बोल दूँ। तो अफवाह बिल्कुल सच है। एक और अफवाह है कि जब लव कुश, जो सोनाक्षी के भाई हैं, कि जब उनकी किसी से लड़ाई होती थी स्कूल में तो वो आपको लेके जाते थे कि लड़कों को पीटो। इज इट ट्रू? नो, बट दे शुड हैव। ओके, मतलब अंदर जज्बा है। दे शुड हैव। तापसी आपके बारे में एक अफवाह है कि आपका 9th क्लास में ब्रेकअप हो गया है था क्योंकि लड़के को 10वीं में अच्छे मार्क्स लाने थे। Yeah, that's true. Really? उसने मुझे बोला था कि मेरे को बोर्ड एग्जाम्स में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, तो आई डोंट थिंक वी कैन बी टुगेदर एनीमोर। तो अभी अच्छे एग्जाम लेके बैठा देख रहा होगा अभी आपको। अभी और भी बहुत कुछ लेके बैठा है। ले लो एग्जाम। वाह यार, ये बात बड़ी अच्छा। तापसी एक है कि आपने एक बार अपने बाल कटवाने के लिए खुद ही अपने बालों पे चिंगम चिपका ली थी। हाँ, ये भी सही है। सही है। कितनी सही अफवाहें हैं यार। मेरे घर वाले देखेंगे और मुझे बड़ा ही, क्योंकि बाल मेरे बहुत लंबे और घुंघराले हैं, तो वो संभालने बहुत मुश्किल होते थे। पूरा पूरा संडे निकलता था तेल लगाने में, धोने में, उसको कोम करने में। तो इरिटेट हो चुकी थी मैं उससे। तो एक आपने दिन साजिश रची फिर। मैंने एक दिन घर आके कटवा के आ गई थी मैं, और मैं बहुत रोई आगे घर कि मेरे बाल में च्युइंगम चिपक गई थी, तो मुझे काटने पड़े बाल। मम्मी, मेरी गलती नहीं थी। वो पूरा ड्रामा मैंने ऐसे किया। तो बचपन से ड्रामची हो। अब पता चलेगा उनको तो क्या यार, अभी पता नहीं, आई होप अभी नहीं डांटेंगे। ओके। कीर्ति आपके बारे में एक अफवाह है कि आप मुझे लाइक करती हैं। बोलो हाँ, ये अफवाह है। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सच है कपिल। आज तुम्हारे शो पे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, खुलासा करती हूँ कि हाँ, मुझे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। मेरे से आगे एपिसोड नहीं होगा। मेरे को थोड़ा बात सोच सोच के मजा लेना है। चलिए शो को आगे बढ़ाना है क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और मुझे सोने जाना है। ओके सर। हाँ, जल्दी। तो प्रश्न ये है, ओहो, आप सब लोगों को अंतरिक्ष का सब पता है, तो बताइए कि अगर धरती माँ है, तो बाप चंदा मामा है, तो सूरज क्या है? सूरज क्या है? ऑप्शन ए, सूरज हॉट है। क्या सूरज बरजातिया है? क्या सूरज सन है लेकिन किसका सन है ये नहीं पता? या फिर सूरज डूबा है यारो दो घूंट नशे के पी लो। अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन सर ने, माय एलोपोजी ऑप्शन इनके लिए। सूरज डूबा है यारो दो घूंट नशे के मारो, लेकिन अक्षय कुमार जी का नशे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे खारिज करते हैं। और वैसे भी जब सूरज डूबा है तो ये तो सो चुके हैं, तो इट इज नॉट वैलिड एनीवे। तो ये ऑप्शन नहीं है, पहले तीन में से ही चूज करना होगा। आई एम सॉरी माय एलोपैथी। अक्षय साहब, मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है। जी पूछिए। जैसे एक मिनट, जब बुजुर्ग बात कर रहे हो, अरोड़ा जी बात कर रहे हैं, बात सुनिए। एक्सपर्ट। हाँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है अक्षय साहब आपसे। आपकी मिसिज बहुत अच्छी राइटर है, तो मुझे अगर तापसी पन्नू पे किताब लिखानी हो तो वो कितने पन्नू की लिखेगी? आप लोगों ने,
क्या ख्याल है आप लोगों का? सी, चलिए सी डाल के देखते हैं। ओए भूतों वाली फिल्म वाला म्यूजिक ना दे। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को मिलता है एक और एपिसोड में आने का मौका। एक और एपिसोड में आने का मौका बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस शो के अंदर जो जो लोग आते हैं उन्हें बहुत कम मौका मिलता है यहाँ आने का, लेकिन इन तीनों महिलाओं को ये मौका मिला है। जोरदार तालियां इनके लिए। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाँ, तो मैं आगे चलता हूं। अगला सवाल, लड़की वाले लड़के के साथ शादी की बात करते हैं तो उसको चाय पे बुलाते हैं। जैसे कि सबको पता है कि मैं ना चाय पीता हूं, ना कॉफी पीता हूं, ना कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, तो ट्विंकल जी के घर वालों ने मुझे किस पे बुलाया था? चाय पे तो बुला नहीं सकते। ऑप्शन ए, गुनगुने पानी पे बुलाया था। ऑप्शन बी, मॉर्निंग वॉक पे बुलाया था। ऑप्शन सी, फिल्म प्रमोशन पे बुलाया था। ऑप्शन डी, या फिर उन्होंने बुलाया नहीं, फिल्मों में मुझे देख लिया था, बस उन्हें ये पता था कि लड़का खिलाड़ी है तो इनको देखने की कोई जरूरत नहीं। वाह, अरोड़ा जी आपको क्या लगता है? मैं तो ये लगता है कि अगर तापसी, देखो आपको कभी शादी करनी हो मेरे को बताना। आई एम बैचलर टिल नेक्स्ट 6 मंथ, लेकिन टाइम पे बता देना, मुझे फिर अर्चना को मना भी करना है। ए अंकल। हाँ जी अंकल, आपको पता है कि समुद्र किधर है? हाँ जू पे है। हाँ तो उसमें जाके डूब क्यों नहीं जाते? आलतू बातों के ब्रांड एम्बेसिडर। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ? हाँ। ऐसा नहीं है कि तू बदसूरत है, तेरी शक्ल ही खराब है। तो आप कौन से टॉम क्रूज लगते हो? चांदनी चौक का ठंडा पराठा। ओए चांदनी चौक की बात मत करियो बे। चांदनी चौक का मैं हूँ। हाँ नहीं, ये है ओवर प्रोड्यूस्ड औरत। वुड यू लाइक टू हैव सम डेथ, लाइक ए मृत्यु और समथिंग? ओके ओके, जस्ट शट अप, शट अप, शट अप, प्लीज रिस्पॉन्ड। सिर्फ सी और डी में कंफ्यूज हो तो ए बी सी डी बताइए। चलो डी डी, ऑडियंस बोल रही है। चलिए लॉक करें। हाँ हाँ करो करो। पक्का? हाँ पक्का। कंप्यूटर जी लॉक करिए। डी। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां इन तीनों महिलाओं के लिए। आज इन तीनों को चांद हम प्रेजेंट करेंगे। चांद को लाइए। आइए चांद, ये लीजिए, ये मिलता है आपको चांद। बताइए क्यूट चंदा मामा। ये जेली फिश कौन है? अरे हमारे मामा है यार, इनका नाम है चांद कुमार जी। हाँ हमारे मामा है। जाइए आप इनकी गाड़ी में बैठ जाइए, इन्होंने आपको जीत लिया। ये गाड़ी में बैठेगा जी? ये मेरे को पता है, ये गाड़ी के टायर खा जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग कमोड पे बैठते हैं, ये कुएं में बैठता है। आया बड़ा मामा कहीं का, तेरी कमर लीक हो रही है साइड से। एक फिल्म थी मेरी, राउडी राठौर। उसके अंदर एक डायलॉग था मेरा, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो मैं डेफिनेटली क्या करता हूं? गुड क्वेश्चन। ऑप्शन ए, यूं करता हूं। ऑप्शन बी, फोर्ब्स लिस्ट में अपना नाम करता हूं। ऑप्शन सी, ये जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ ऐसा करता हूं जिसे बताने में थोड़ा संकोच करता हूं, इसलिए डेफिनेटली करता हूं पर बताता नहीं। या ऑप्शन डी, ये भी जरा ध्यान से सुनिए, या फिर सुबह सुबह शूटिंग का टाइम रखवा के बाकी को स्टार्स की सुबह की नींद खराब करता हूं। ये आज सुबह हम तीन पांच बजे उठ के तैयार हुए।
मैं एक बात बताऊं सोनाक्षी, मैंने कितनी फिल्में की हैं, लेकिन इससे अच्छी एक्टिंग मैंने तेरी आज तक नहीं देखी। ये मतलब दिल से आ रही है, दिल से आ रही है। इतना गुस्से वाली एक्टिंग आज तक नहीं देखी। ये मतलब दिल से, मैं आपको बताता हूँ, इसके दिल से ये बात आई है। ये वाकई में कहीं मैंने इसको चोट पहुंचाई, मैं सबके सामने इसे क्षमा चाहता हूँ कि अगर मैंने आपको सुबह सुबह उठा के शूटिंगों पे ले गया हूँ। क्षमा मत मांगो प्लीज, नेक्स्ट टाइम मत करो। मुझे 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 रोना आ रहा है, मतलब हमें सुबह मैं चाहता क्या हूँ, मैं उठ के बाल बनाओ, मेकअप करो, अच्छे कपड़े पहनो, शूट पे जाओ, फिर जागे हुए लगो, फिर सुबह जाके शटर हम ही खोलते हैं। बट अंदर से आप अभी भी सो रहे हो, कितना डिफिकल्ट होता है ये काम। और ये खुद अपने सुबह के जॉगिंग क्लोथ्स में आ जाते हैं। ये बात सही है, 6 बजे का शिकार मैं भी हुई हूँ सुबह की। चलिए एक मेरा सवाल सोनाक्षी जी से है, जस्ट फॉर फ्री, आज शाम को क्या कर रही हो? अरे नहीं, शाम को वो थोड़ा सा बिजी है, उनको किसी का पता लेने जाना है। किसका? आपका। क्योंकि जैसी आप फालतू बकवास कर रहे हो ना, आप देखना शत्रु अंकल छेनू के साथ ना आपका मेनू भी बिगाड़ डाले। ध्यान रखना। वाह वाह, कमाल का बात किया है। वैसे जैसे आपको पता है कि चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, हाँ। इन दोनों की छाती पे पहला कदम हम रखे। ये डिसीजन हमने ले लिया है। और इनके पैरों पे खड़े होकर डांस भी करेंगे। ए तू खेला चालू कर, अक्षय सर का सोने का टाइम भी हो रहा है यार, जल्दी कर। बिल्कुल सही ये बात, ये सपना जी बराबर समझते हैं, रिस्पॉन्स बताइए। बताइए कौन सा वाला? ऑप्शन डी। क्वेश्चन सबको सबको सुबह जल्दी उठा के काम कराते हैं, वो वाला ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जी। पक्का? ना। चलिए आपको अभी मैं जवाब दे देता हूं। इनका जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन्हें मिलता है अर्चना जी की गाड़ी। ले जाइए, गाड़ी ले जाइए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.